नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं सारपल पल न्यूज। साथियों, जैसा कि हम सभी को बता, जब से देश और प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी वेव आई है, तो पूरे देश और प्रदेश में भारी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई थी। भरे हुए सिलेंडर तो दूर की बात है, खाली सिलेंडर भी लोगों को नहीं मिल रहे हैं। तो इसके चलते जैसे जैसे केस बढ़ते गए, वैसे वैसे लोगों को और दिक्कतें होती गई, चाहे ऑक्सीजन से रिलेटेड है, चाहे वेंटिलेटर से है, चाहे जो बेड है बेड से रिलेटेड समस्याएं हैं वो होती गई। और जाहिर सी बात है कि पूरे देश और प्रदेश में हुई, तो हमारे क्षेत्र में बात करूँ अगर आदमपुर में भी इस प्रकार की समस्या कुछ लोगों को हुई। तो इस पर ध्यान देते हुए श्री सनी सेवा दल और निहार एग्रो ने एक मुहिम शुरू करी व्हाट्सएप के जरिए। जिस प्रकार से वो हमेशा से श्री सनी सेवा दल है, वो काफ़ी वर्षों से मंडी आदमपुर में सामाजिक कार्यों में लगा हुआ है, और जिस प्रकार से चकन्या विवाह है और भी बहुत से कार्य होते हैं वो करते रहते हैं। तो इस कोरोना महामारी में भी उन्होंने एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य किया है। अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन कंसेंटनर बोलते हैं इसको, या फिर आप ऑक्सीजन इन्वर्टर भी बोल सकते हैं। वो उन्होंने एक मुहिम चलाकर सोशल मीडिया के ऊपर की जनता को ये उपहार दिया है, आदमपुर की जनता को ये सहायता प्रदान करी है इस महामारी के समय में। जो व्यक्ति जिसके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर 2 या 3 दिन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो उसको ये ऑक्सीजन कंसेंटनर है या ऑक्सीजन इन्वर्टर है उसको ये उपलब्ध करवा देते हैं। उनका फ़ोन नंबर है, वो भी आपको मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगी, और साथ में ये भी बताएंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है। अभी हम फिलहाल मंडी आदमपुर में ही आए हुए हैं, जहाँ पे एक अंकल जी है, इनको थोड़ी जो फूड पाइप है उसमें दिक्कत हो गई थी, तो उसके कारण इनको सांस लेने की दिक्कत हो रही है। तो इसलिए इनको इस चीज़ की, मैं बात करूँ ऑक्सीजन कंसेंटर की, जरूरत पड़ी है, तो इसलिए इनको लाया गया। तो हमारे साथ श्री सनी सेवा दल के देवेंद्र जी मौजूद है, तो इनसे सदस्य मौजूद है, इनसे बात करेंगे इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये पिछले काफ़ी सालों से श्री सनी देवा सेवा दल से जुड़े हुए हैं और इसमें सामाजिक कार्य करते रहते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर से सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार आदमपुर की जनता की तरफ से, जो आप इस महामारी के समय में जो सरकार नहीं कर पा रही वो आप लोग इस प्रकार के कार्य कर रही हैं। पूरी आदमपुर का भी धन्यवाद है, वो भी साथ में सहयोग कर रही है। जी, तो ये किस प्रकार से आपके दिमाग में आइडिया है, किस प्रकार आप आदमपुर की जनता को इस महामारी के समय में कंसेंटनर ला के दें, तो इसमें उनकी समस्या का हमारे सनी सेवा दल के प्रधान जी हैं श्री प्रवीण जी गोयल, उनकी माता जी को बीमार हो गए थे, उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया था, तब बार बार सिलेंडर लाने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। तब हमारे दिमाग में आइडिया आया, तब हम हमारे घर में एक मशीन लेके आए थे, तब उसका प्रयोग कर रहे थे। तो उसके बाद हमारी ताई जी, जो हमें ताई जी लगते हैं, ताई जी ठीक तो हो गए थे, बट किसी कारणवश उनका स्वर्गवास हो गया था। तभी से अभी जो सिलेंडर की किल्लत चल रही है, लोगों को मिल नहीं रहा है, उसी से आइडिया आया, ये आया कि एक मशीन तो हमारे पास है, समाज के लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करके और मशीन ले आए जाए। कितनी मशीन ले गए थे? अभी ये 5 मशीन है हमारे पास। तो दो मशीनें श्री सनी से बदल किया है और 3 मशीनें निहारो एग्रो प्राइवेट लिमिटेड की है। तो इसमें लगभग अगर मैं बात करूँ तो एक मशीन का कितना खर्च आता है? अराउंडली 90,000। 90,000। तो आप इससे पहले भी कोई मशीनें वगैरह लेके आए थे? इससे पहले हम 10 मशीनें लेके आए थे, बट वो मशीनें ख़राब थी, हमने वापस कर दी गई थी। उसके बाद हम ये चेंज करके लाए हैं, अभी इनका बैकअप अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है। तो आप बताएंगे किस प्रकार से ये मशीनें काम करती है? ठीक है, एक हर चीज़ जानकारी दे दीजिए कि ताकि जो भी इसको लेके जाए या जिस व्यक्ति को इसकी ज़रूरत पड़े तो वो इसको इस्तेमाल को इस वीडियो के माध्यम से समझ सके। सबसे पहले आप वीडियो शेयर कीजिएगा जो भी व्यक्ति देखे, ताकि हर हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी व्यक्ति की जान बच सकती है। ये यहाँ लगेगा सर, सबसे पहले बिल्कुल इन्वर्टर की तरह है, बिल्कुल इन्वर्टर की तरह है। उसके बाद इसकी पावर हमने ऑन करनी है, ये पावर मशीन स्टार्ट हो गई है। यदि हम इस मशीन को नहीं छेड़ेंगे तो ये कंटिन्यूसली चलती चली जाएगी। यदि हम इसका कोई टाइमर सेट करना है तो हम मिनिमम 30 मिनट्स, 35, 40, 120 मिनट्स तक हम इसको सेट कर सकते हैं। ये जो है इसका, ये ऑक्सीमीटर है, इससे हम ऑक्सीजन लेवल और प्लस में हार्ट बीट चेक कर सकते हैं। ये यहाँ इसमें लग के ही होता है वैसे? हाँ, इसमें लग के होगा, ये पोर्शन इसका ऊपर रहेगा। इसका पता कैसे चलता है ये ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है? ये यहाँ से इसका ऑक्सीमीटर ये दिखा देगा कि ये सेट है या नहीं है। साथ के अंदर, साथ में जब ये लगेगा तो नीचे उसमें रेड लाइट दिखाएगा, यानी कि 92 है, 93 ऑक्सीजन, 93 इनका ऑक्सीजन लेवल है, हार्ट बीट इनकी 83 है, ये नॉर्मल है, सही है। ये इसका सिस्टम है कि हमने कितने लीटर पर ऑक्सीजन सेट करनी है, एक पेशेंट को 2 लीटर, 1 लीटर, कि उसका ऑक्सी लेवल क्या है। इनका ऑक्सी लेवल अच्छा है, 96 चल रहा है, तो हम इसको नॉर्मल 2 लीटर पर रख सकते हैं मिनिमम। ये मैक्सिमम 5 लीटर तक चलती है। इसके अंदर जो है, जो ऑक्सीजन आएगी वो ऑक्सीजन की पाइप
यहाँ लगेगी फर्स्ट, सबसे पहले इसके अंदर पानी डालना है, पानी हाफ गिलास होना चाहिए। उसके बाद ये पाइप लगा के, ये पाइप हम पेशेंट के लगाएंगे। उसके बाद हम इस प्रेशर को सेट कर सकते हैं कि उनका ऑक्सीजन देख सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन है, कितने है, उसको प्रेशर की जरूरत है। जैसे भी 95-90 ये इसका अप डाउन हो रहा है, तो इसकी इससे वजह से हो रहा है या उनके जो ऑक्सीजन को दे रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है? ये नॉर्मल इन वैसे ही हो रहा है इनका। अगर किसी व्यक्ति का जैसे अगर 85 है या 90 है, तो उसका किस प्रकार से इसका इससे इसका लेवल हाई रखना पड़ेगा, हमें फुल ऊपर तक रखना पड़ेगा इसका। हाँ, ये मशीन 5 लीटर की है, 5 लीटर तक कंपोजिशन करती है ये। नेचुरल एयर का 30% जो नाइट्रोजन है उसको अलग करके इसकी ऑक्सीजन बनाती है ये। तो ये कंटिन्यूसली कितने समय तक काम कर सकती है मशीन? ये कंटिन्यूसली, यदि हम इसका कोई टाइमर सेट नहीं करेंगे तो कंटिन्यूसली 24 घंटे चल सकती है। यदि हम किसी तरह का टाइमर सेट करते हैं तो 120 मिनट का हम टाइमर सेट कर सकते हैं इसका। और अगर मैं बात करूं तो ये किस एरिया तक लोगों तक जाएगी? ये आदमपुर कस्बे के आसपास के लोगों के लिए हमने, जैसे आदमपुर है, आदमपुर के जितने आदमपुर के आसपास 10 से 12 किलोमीटर कोई खास बात नहीं है। तो कितने समय तक आप ये मशीन? ये 48 घंटे के लिए। तो 48 घंटे के बाद में, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने भी इनके जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, तो आज इनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, तो आपके पास फोन करके ये आपसे ये ऑक्सो जो मशीन है ये ले सकते हैं, ऑक्सीजन की मशीन है? हाँ जी, हाँ जी, ले सकते हैं। तो इसके लिए संपर्क सूत्र या कोई फोन नंबर? संपर्क के लिए हम, मेरा नंबर है, प्रवीण जी गोयल का नंबर है, दिनेश जी बुडानिया जी का नंबर है। 905050077। मेरा नाम देवेंद्र है, दिनेश जी बुडानिया उनका नंबर 9466633321 है। और हमारे प्रधान जी हैं प्रवीण जी गोयल, उनका नंबर 9050800055 है। दूसरा हमारा नियारो एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है, उनका मोबाइल नंबर मैं आपको दे देता हूँ। अरे सर, जिस प्रकार से बता रहे हैं मशीन, आपने देखा कि अच्छे से किस प्रकार से काम करती है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो व्यक्ति देखे इस मशीन को तो वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है कि आदमपुर के आसपास के क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति को मशीन की ज़रूरत है तो उस तक ये आपकी एक शेयर हो सकता है, किसी व्यक्ति की जान बताई, तो आप इसमें घर बैठ कर आराम से एक अच्छा कार्य कर सकते हैं, आपको कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं। नियारो एग्रो का नंबर 7082943069। निहाल सिंह जी का नंबर है ये उनके संस्थापक हैं, उनके थ्रू हम मशीन ले सकते हैं। सर टोटल कितनी मशीन बताई आपने? टोटल 5 मशीन है हमारे पास। 5 मशीन है, ठीक है सर, थैंक यू। जिस प्रकार वकील साहब ने बताया कि इस पर इन्होंने और निहारो एग्रो ने मिलकर 5 मशीनें ये लेके आए हैं, तो 5 मशीनें जो ये लेकर आए हैं, तो ये आदमपुर और आदमपुर के जो जनता है, जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, व्यक्ति को कोरोना हो जाता है या जो व्यक्ति कुछ समय के लिए, अगर मैं बात करूँ 1 या 2 दिन के लिए मशीन अगर इमरजेंसी में उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है या नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक मुख्य बात यह है कि इसमें किसी व्यक्ति से कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये निःशुल्क है। तो जो भी व्यक्ति वीडियो देखे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुँचे। हो सकता है किसी व्यक्ति की आपकी वजह से जान बच सके और हर व्यक्ति के ये जिसको भी जरूरत है उसको काम आ सके।